हर हर महादेव। आज एक बहुत ही रोचक विषय भगवान भोलेनाथ शिव जी यानी शिवलिंग से संबंधित थोड़ी चर्चा हो। शिवलिंग है क्या? जिस प्रकार मनुष्य हमारे शरीर में इसे भी एक ब्रह्मांड स्वरूप कहते हैं, तो एक ब्रह्मांड तो जो बिल्कुल ब्रह्मांड है हमारे इस पृथ्वी में, इससे ऊपर जो एक ब्रह्मांड की बात करते हैं, किंतु भगवान हमारे शरीर को संपूर्ण एक ब्रह्मांड का ही प्रारूप बनाए ऐसा कर सकते हैं। चाहे वो नाड़ी की बात करें, सूर्य चंद्रमा, हमारे ब्रेन्स या सारे सिस्टम्स को बात करते हैं, तो उसी का एक मॉडल यानी प्रारूप हमारे ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड को और उससे दोनों को एकाकार करने का कह सकते हैं कि हमारे लिए इस पृथ्वी में हम मानव जातियों के लिए भगवान शिव वो ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है शिवलिंग हमारा। शिवलिंग के अन्यत्र कई प्रकार के लोग अर्थ लगाते हैं, जाने अनजाने कई प्रकार की बहुत ही ऐसी बातें बोलती हैं लोग बोल गए हैं जो बिल्कुल ही कहीं भी मान्य नहीं है और वो अमर्यादित भी लगता है। तो ये समझने की बात है, मैं शब्दों पर नहीं जा रहा हूं। तो शिवलिंग ब्रह्मांड का ही एक प्रतिनिधि करने के लिए एक प्रारूप है उस ब्रह्मांड का, और जिससे कई प्रकार की रेडियो एक्टिविटीज और कई प्रकार की इसमें ऊर्जाएं भी निकलती है, जिसे विज्ञान ने भी से प्रमाणित किया है, नासा ने देखा है। और अभी बात करते हैं कि ये बहुत प्रश्न आए थे, शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं, शिवलिंग के बारे जाने, बहुत रोचक, संभवतः बहुतों के मन में ये प्रश्न कभी नहीं आया होगा। तो शिवलिंग कितने प्रकार के, तो मैं बता दूं आपको, 6 प्रकार के शिवलिंग है जो अवश्य हर किसी को जानने की आवश्यकता है। तो मैं एक करके मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊं। सबसे पहला शिवलिंग है जो देवलिंग कहते हैं। देवलिंग मात्र चंद शब्दों में आप जाने कि पुरातन काल में देवी देवताओं के द्वारा जो शिवलिंग का निर्माण किया गया था, जो हमारे पुराणों में आज भी वो उसके प्रमाण मिलते हैं, एविडेंस है शास्त्र में, पुराणों में जो वर्णित है, तो देवों के द्वारा जो निर्मित किया गया शिवलिंग उसे देवलिंग कहते हैं। किंतु ठीक इसके विपरीत एक आसुर लिंग भी है। आसुर लिंग जिसका एक दृष्टांत कह सकते हैं, लंकाधिपति रावण, वो तो असुर संप्रदाय से ही थे, जबकि शिव के बहुत बड़े भक्त रहे हैं वो, तो असुरों के द्वारा भी जो शिव की भक्ति करते थे उनके द्वारा भी शिवलिंग का निर्माण किया गया था, जिसे हम असुर लिंग कहते हैं। तीसरा नंबर में आता है बारी अर्शलिंग, जिस प्रकार से कई ऋषि मुनि, या तो अगस्त्य मुनि या और कई प्रकार के जो ऋषि थे, मुनि थे, उन अपने यज्ञ के लिए वो कई प्रकार के शिवलिंग का निर्माण करते थे उस समय, उसे हम जो मुनियों के द्वारा जो किया गया उसे हम अर्शलिंग के नाम से जानते हैं। जबकि एक है फिर पुराण लिंग भी है, पुराण लिंग यानी पौराणिक काल में जो अपनी लोगों के द्वारा या देवी देवताओं के द्वारा उस युग में जो निर्माण किया गया उसे हम पुराण लिंग कहते हैं। आज भी बहुत प्राचीन मंदिरों का भी जाते हैं, प्राचीन शिवालयों में तो देखने को मिलता है, लोग बोलते हैं ये बहुत प्राचीन लिंग है, यानी पुरातन काल के हैं, पुरातन काल, वहीं से फिर ये हमारा फिर ये पुराण लिंग आता है। और उस तरीके से फिर कहें कि मनुष्य लिंग है, मानव जाति के द्वारा जो निर्माण किया गया उसे हम मनुष्य लिंग कहते हैं। और फिर एक और अंत में आती है बारी 6 नंबर, स्वयंभू लिंग, भगवान शिव हमारे कल्याणार्थ या देवी देवताओं के कल्याणार्थ, ऋषि मुनियों के कल्याणार्थ, या हम आम जनों मनुष्यों के कल्याणार्थ जो स्वयं को कभी प्रकट किया है हमारे आशीर्वाद अपने वरदान देने के लिए, उसे स्वयंभू लिंग कहते हैं, जो भगवान स्वयं ही अपने आप को कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रदर्शित किया, वो स्वयंभू लिंग है। ये काफ़ी लोगों का प्रश्न था, जिस कारण से मुझे लगा इस पर एक बार चर्चा होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आज की पीढ़ियों को भी ये जानने की बहुत आवश्यकता, यदि आप जानते हैं तो सारे अभिभावक का एक दायित्व तो बनता है कि आने वाली पीढ़ी को भी ये जानकारी दी जानी चाहिए। वीडियो को शेयर भी करते रहें, लाइक करें, अच्छी चीज़ें अपने प्रिय लोगों को यदि शेयर करते हैं तो उन्हें भी इसकी जानकारी मिलेगी और आपको भी इसका धर्म का फल और भी कई गुना बढ़ता है, इसीलिए शेयर भी करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में,
हर हर महादेव।